How's the sound? Camera? Okay for me. चलिए. Next shot. और ये बुद्धू अपनी ही बीवी को चाह रहा है. तुम्हें क्या मालूम पति क्या होता है? जी, पति क्या होता है? ब्याह करो तो पता चले. ब्याह क्यों करें? हमें तो हीरोइन बनना है. हीरोइन बनोगी? देखो पंखे के सामने कौन है, हटाओ सबको. ए बुढ़िया, हाथ पंखे के सामने से, हवा आने दे. देखिए ये अंजाम होता है. मेरी मानो किसी अच्छी जगह शादी कर. आज पैगा जल्दी हो गया तो ना पैसे कम मिलेंगे. ये यहाँ से किसी और को देना मिट्टू, लंच के बाद दो शॉट में. हाँ अच्छा ले. अच्छी अच्छी चीजें खरीदेंगे, शादी करेंगे, मजा करेंगे. क्यों कैसे कहीं तेरी चाची क्या करेगी? चाची की ऐसी कितने पहला प्रोग्राम कपड़े और जेवर खरीदना. हाँ. और दूसरा प्रोग्राम किसी से ब्याह कर लेना. अरे वाह. तो शादी किससे करेंगे? किसी भी अच्छे आदमी से. कोई अच्छा आदमी हमसे शादी क्यों करेगा? यहाँ सब जानते हैं कि हम फिल्म में एक्स्ट्रा हैं. यहाँ सब जानते हैं. लेकिन बाहर का नहीं कौन जानता है? तो जाए तो जाए कहा? फिर वही बात आ गई. जाए तो जाए कश्मीर क्यों? अरे वहां. अरे महारानी साहब का आदमी आधे कलाक में आने वाला, मोती की माला अभी तक तैयार नहीं, उसको क्या हम अपना शर देगा? तुमको मालूम हमारा नाम कितना खराब होता है? तो गया जल्दी उधर. सेठ जी हाथ चोरी हो गया, हीरे का हाथ चोरी हो गया सेठ. पालिश नहीं होती. दादर स्टेशन आ रहा है, मैं तो चला अगले डब्बे में. अगर आप लोग जीती रही तो सवेरे मुलाकात हो जाएगी. नमस्ते. अरे जी आपके साथ चलता हूँ. ओके जल्दी जल्दी. अगर आपको तकलीफ ना हो तो. तकलीफ की कोई बात नहीं, मैं ऊपर चला जाता हूँ. थैंक यू, आप बड़े शरीफ आदमी. शुक्रिया. देखो दोनों पुराने मिलकर ना जाने कहा. नहीं 12,000. अच्छी तरह सोच लीजिए, ठीक ठीक बताइए. जी मेरा ख्याल है. हार भूल जाइए, याद करके बताइए. 15,000 तक साहब, याद करके बताए. प्रकाश उर्फ मुन्ने मियाँ उर्फ करतार सिंह, जवाहरात का खतरनाक चोर, भेद बदलने में उस्ताद है, ना भी बदलता रहता है. दो दफा जेल जा चुका है 3-3 साल के लिए. एक दफा कत्ल के मुकदमे में पकड़ा गया लेकिन काफी सबूत न होने की वजह से छोड़ दिया गया. वो भी मिल जाने आशा. अरे नहीं, इसी को तो कहते हैं कितनी तू है. ठीक कहती है, मुझे भी राजन अच्छा लगता है. अच्छा फूल पन टपकता है, आंखों से शराफत बरसती है,
और पर्स में नोटों की रिमझिम भी है। घबराइए नहीं, आशा जाएगी कहाँ भागकर। देखिए सर, घबराने बातें यूं करते हैं, अखबारों में इश्तहार देते हैं। पता लगाने वाले को 3,000 रुपया इनाम। अच्छा, चलो मेरे साथ, अब भी इश्तहार दो। चलो, क्या बातें कर रहे हैं प्यार मेरी? यही कि आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं। जी चाहता है घंटों आपकी बातें सुनता रहूं। मेरा तो ख्याल था मेरी बातों से चिढ़ते हैं। उस दिन जो मैंने आपसे रतिलाल ज्वेलर्स के मुताबिक बात की थी, जिनके यहाँ से कि वो हार चोरी गया था, और जो बात अखबारों में भी आई थी, और जानता हूँ साहब जानता हूँ, दो लड़कियाँ रतिलाल की दुकान पर गई, एक मर्द भी उनके साथ। हमने हार चुराया है या हमारे पास हार है, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। बिल्कुल ठीक। चोर, मैं कहता हूँ बुकिंग के बगैर जहाँ पुलिस भी नहीं आ सकती, चोर कैसे आ गया? हमें पहले मालूम होता कि ये होटल चोरों का है तो यहाँ कभी नहीं आते। अरे कुमारी दादा, आप दोनों ने कुछ भयानक ख्वाब देखा होगा। ख्वाब? हाँ। तो आप भी देखिए, ये ख्वाब अच्छी तरह देखिए और आके खोल के देखिए। मगर मैं आपसे सच कहता हूँ कि इस होटल में आज तक कभी कोई चोर नहीं आया। कल तक नहीं आया होगा, लेकिन आज जरूर आया। कौन आया, कब आया, कैसे आया, क्या हुआ? चोर चोर आया, ये देखिए। चोर अब यहाँ? मैनेजर साहब, ये आपका कैसा बंदोबस्त? ये कुमारी यहाँ होटल में अकेली, अगर इनके जानो माल को कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, इतने कीमती हैं, और फिर हम जेवर रखवाने के लिए नहीं, पहनने के लिए लाए हैं। हम जेवर नहीं रख पाएंगे, हम नकदी रखवा सकते हैं। हाँ, नकदी रखवा दीजिए, एज यू प्लीज। देखिए पूरे सारे। मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ, मेरे लायक कुछ खिदमत हो तो मुझे याद कीजिएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने कहा साहब, ये पूरे 13,500 रुपए हैं। 13,500? हाँ। लेट मी सी। अच्छा, रसीद तो लाइए। हाँ, रसीद मैं आपको अभी भिजवाता हूँ। अच्छा। कर हम जाएं गुजर क्या होगा जरा सोचो, ऐसे में अगर दुनिया की नजर उठ जाए इधर क्या होगा जरा सोचो। क्या क्या है? बहुत कुछ है। वाह वाह वाह, तुम भी खाओ। आप अपने हाथ से दे दीजिए मेरे साथ। शुक्रिया। बैठ जाओ जी। मैं उधर जाके खा लेता हूँ। सलाम मिलता। सलाम। अच्छा बहुत अच्छा। मैम, उसको अपने खाने में से देने की क्या जरूरत थी? लो देखो, उस बेचारे ने अपने मालिक की कश्ती में हमें सैर कराई। दो सैंडविच दे दिए तो क्या हुआ? हाँ जी। क्या सोच रही हूँ? मैं सोच रहा था कि तुम क्या सोच रही होगी। किस बारे में? यही मेरे सोचने के बारे में। अरे तुम ड्राइवर? जी हाँ, मगर मेमसा आप जरा देख के चला कीजिए, देखिए कितनी गहरी खाई है। देखिए साहब, मार गए। मार गए? जी। जिसके साथ मेरी शादी होगी वो कौन है, कैसी है, इस वक्त कहाँ है, ये मुझे कुछ मालूम नहीं। तू मुझे अकेला छोड़कर चली जाती है, कोई ना कोई मुसीबत आकर क्या हुआ? वो लफंगा चट्टोपाध्याय आ सकता है, मुझे सता रहा था। वो भोपू कहाँ गया, किधर गया है? वो तो बहुत देर भी भाग गया, इन्होंने भगा दिया। और वो अपना ड्राइवर कहाँ मर गया, वो चाय पीने गया हुआ है। आज भी मुझे इन्होंने बचा दिया, अगर ये ना होते तो। मेरे साहब, अगर हुक्म हो तो कल से मैं अपने साहब की गाड़ी लेके हाजिर हो जाऊँ। मगर तुम्हारा साहब नाराज नहीं होगा? साहब तो बाहर गए हुए हैं। अच्छा, मेरे लिए तो फुर्सत ही फुर्सत है। तो ठीक है, ऐसे तुम अपने साहब की गाड़ी ले आना, हम तुम्हें पैसे दे दिया करेंगे। जो हुक्म मेरे साहब। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे प्यार करूं। मुझे तुम दगा न दोगे कहो एतबार करो। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे प्यार करूं। मुझे तुम दगा न दोगे कहो एतबार करो। अगर तुम बुरा न मानो। मैं काम बहुत होशियारी से कर रहा हूँ, मुझ पर किसी को शक नहीं। हाँ, काम सब ठीक हो जाएगा। यस, ओवर। Thank you.
ये बड़ा ही बेवकूफ चोर है, खुले हुए सूटकेस को चाकू से काटने की कोशिश कर रहा था। बड़ा ही अनाड़ी मालूम होता है, न जाने चोर किसने बना दिया। जाकर एक चांस और देना पड़ेगा, शायद आधी रात तो फिर वापस आए। मुसीबत तो यह है कि हम उसे जानते भी नहीं, वरना इस हार को सोने की थाली में रखकर कहें या चोर और पीछा छोड़। ये तो है, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? ये आप क्या कर रही है? मैं तो इसे अपना घर समझ के आई हूँ। यह तो हमारे भाग्य है जो तुमने हमारे झोपड़े में कदम रखा। शर्मिंदा न कहो कि वो मुझे दौलतमंद समझकर पसंद नहीं करती, बल्कि एक इंसान समझकर करती है। आशा को अब तक पता नहीं कि असल में मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और मैंने जानबूझकर उसे ये पता नहीं चलने दिया। बस अब सिर्फ तुम्हारी इजाजत की जरूरत है माँ। तो फिर चलो, बस नाटक को पर्दा गिरा दे और आशा से कलाकारों का परिचय हो जाए, फिर तुम शुभ घर की बात करते रहना। तुमने मेरे मन की बात छीन ली है माँ, चलो। जानती है बेला मैं कहाँ से आ रही हूँ? आ रही होगी अपने सास के घर से। हाँ बेला, आज मैंने अपना होने वाला घर देखा, मैंने अपनी होने वाली सास को सजाया, मैंने अपने होने वाले घर को सजाया, मैंने अपने हाथ से खाना पकाया, मैंने सास को खिलाया, सास ने मुझे खिलाया, आज मेरे ख्वाब पूरे हो गए बेला, आज मेरी दुनिया में बाहर आ गई। अब मैं आ सकता हूँ? मिस्टर जॉन? मिस्टर जॉन नहीं, सीआईडी ऑफिसर। आप सीआईडी? जी, बातें न बनाइए, मुझे सब पता चल गया। जिस वक्त बाहर चोरी हुआ प्रतिलाल की दुकान में थी, सेल्समैन से आपने दूसरा हार लाने के लिए कहा, जैसे वो वहाँ से हटा अब हार उठाकर वहाँ से चक्कर हो गई। भगवान कसम, हमने हार नहीं चुराया। अगर मैं आप लोगों को गिरफ्तार करके ले चलूँ फिर आप चोरी माने तो उससे फायदा? आप मुझसे पूछिए, ये लोग चोर हैं, धनवान होने का ढोंग रचा कर यहाँ ठहरी हुई। ये झूठ है चंद्र। ये सब झूठ है, ये भी झूठ है। तुम समझदार मालूम होती, वो हार मेरे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ कि ना इश्तहार देने वाले को खबर होगी ना पुलिस को। वो तो हमने असली चोर को दे दिया। असली चोर? वो कौन? वो लंबी नाक वाला जो बम्बई से आया था और इसी होटल में ठहरा था, वो सूटकेस के साथ हार भी ले गया। फिर बातें बनाने लगी? माता जी आप इन्हें समझाइए, ये सब झूठ है, चंदर मेरा विश्वास करो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। चलो चंदर, मुझे छोड़ के ना जाओ। तूने हमें कहीं का नहीं रखा, हमारी नाक से तू कौन होती बीच में बोलने वाली? तू चुप करके चली जा वरना टांग तोड़ूंगी तेरी। हट सामने से चंडाल, चंडाल तू। गिरफ्तार करो, आज मैंने नहीं चुराया, झूठ है, हथकड़ी डालो। मिस्टर प्रकाश उर्फ मुन्ने मियां उर्फ करतार सिंह उर्फ जॉन कोयलो, वो हार तुमने चुराया और बीती रेलवे स्टेशन पर तुमने पुलिस से डरकर वो हार इन लड़कियों के सूटकेस में डाल दिया और फिर चलती गाड़ी में तुमने उस सूट की कोशिश की और फिर इस होटल में उसी सूटकेस को चाकू से काटना चाहा और उस चाकू पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। कुछ और बताया जाए? इंस्पेक्टर इसे ले जाओ। हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, आपने हमें बचा लिया। इसमें एहसान कोई बात नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है। वेरी गुड, आप इस होटल को अपने घर समझिए। माफ करना आशा, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं पहले ही जानती थी मेरी होने वाली बहू कभी चोर नहीं हो सकती। अरे अरे, कहाँ से चली आई है मेरी लड़की को प्याने वाली? अरे इसकी मंगनी तो सैकड़ों से हो चुकी है, ये सब झूठ है, मेरी मंगनी किसी से नहीं हुई। ये लोग 10,000 में मुझे बुढ़े के हाथ बेच रहे हैं। आपकी उम्र क्या है? 21 साल। आपके मंत्री जिससे शादी कर सकती है। अब तू यहाँ क्या कर रही है? तेरा टिंगू भाग गया, तू ही भाग। ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कांग्रेचुलेशन। आप अपनी मैरिज पार्टी इसी होटल में कीजिएगा। अरे आई एम सॉरी, मैं तो ये लेटर देने आया था, आपकी झमेल में फंस गया। वो मिस्टर राजन अभी अभी गए और आपके नाम ये लेटर लिखकर दे गए हैं। मैंने 1,000 कहा कि आप इस होटल को अपने घर समझा, उसने होटल ही समझा। बेला, तुम्हें ज्योतिषी ने जो कहा था मैं वो नहीं हूँ, वो खुश नसीब कोई और होगा। न मेरे पास मोटरें न बिल्डिंगे, आधा पेट खाकर आधी तनखा सिर्फ कश्मीर आने के लिए जोड़ा करता है। मैंने सोचा था तुम्हें धोखा देकर तुमसे शादी कर लूं, मगर मैं तुमसे प्यार करता हूं बेला, मैं तुम्हें धोखा नहीं सकता। भूल जाना कोई राजन तुम्हारी जिंदगी में आया था।
लोजी बुझ गई, लोजी बुझ गई बिजली प्यार की, बुझ गई बिजली प्यार की, हुआ खत्म फसाना दिल वाला, हुआ खत्म फसाना दिल वाला। क्या देखे हुआ?